गुड मॉर्निंग माय लवली किड्स। चलिए वैसे तो आपका ये मॉर्निंग बहुत गुड गुड होगा, है ना। और मॉर्निंग गुड होना भी चाहिए क्योंकि ये तो क्लास सबको पसंद है ना, अपनी ईवीएस क्लास। मुझे लगता है सबको, बहुत सारे बच्चों को पसंद होगा अपनी ईवीएस क्लास, और अब सारे बच्चों को अपनी शिक्षा मैम से मिलने का वेट भी होगा ना सुबह सुबह। चलिए हम स्टार्ट करते हैं किड्स। किड्स आज हम कब हमारी पता नहीं कौन सी क्लास है, ईवीएस फिर से मैम एक बार रिपीट कर दी। तो किड्स आज हम प्रैक्टिस करेंगे फिल इन द ब्लैंक्स की, ठीक है। जितने भी चैप्टर्स में, पूरे चैप्टर्स नहीं, कुछ चैप्टर्स, ठीक है, कुछ चैप्टर्स के जो फिल इन द ब्लैंक्स है, आज हम उस फिल इन द ब्लैंक्स को लिखने की प्रैक्टिस करेंगे, क्योंकि क्वेश्चन आंसर के साथ साथ फिल इन द ब्लैंक्स और जितने एक्सरसाइज है, मैचअप हुआ, बहुत सारी चीजें हैं हमारे एक्सरसाइज में, हम सारी चीजों को बार बार प्रैक्टिस करेंगे। और प्रैक्टिस करना एक बहुत अच्छी आदत होती है चीजों को याद करने का। अगर आप किसी भी चीज को याद करना है तो उसके लिए प्रैक्टिस बहुत ज्यादा जरूरी होता है, और प्रैक्टिस के लिए आपको लिखना चाहिए है तो हम लिखेंगे आज फिल इन द ब्लैंक। स्टार्ट करते हैं किड्स। तो सब लोग सारे बच्चे अपनी अपनी फोन लाइन कॉपी ओपन करिए और पेंसिल और इरेजर पकड़िए, ठीक है ना। सोचते होंगे कि मैम कितना लिखाती है ना, लेकिन बच्चों अब आप तो बड़े क्लास में आ गए हो, लिखना तो बहुत ज्यादा जरूरी है ना, ताकि आप जितने और बड़े क्लास में जाओगे, फर्स्ट क्लास में, सेकंड क्लास में, थर्ड क्लास में, वहां तो और लिखना होगा, अभी तो थोड़ा सा ही लिखना। तो फिर हैबिट तो अभी से डालोगे, तब तो जब आप बड़े हो जाओगे तो बहुत सारा लिखोगे, तो है ना। चलिए स्टार्ट करते हैं हम आज फिल इन द ब्लैंक्स लिखने की प्रैक्टिस करते हैं, आइए मैम के साथ। तो किड्स देखते हैं फिल इन द ब्लैंक्स, आज हम फिल इन द ब्लैंक्स का रिवीजन करेंगे, है ना, बताया मैम ने। तो चलिए हम फर्स्ट पॉइंट रीड करते हैं। डैश लाइक्स कैरेट, कैरेट किसको पसंद है, गाजर खूब जल्दी से बताइए। रैबिट को, रैबिट को बहुत पसंद है ना कैरेट, तो चलिए हम रैबिट लिखते हैं, डैश में क्या आएगा किड्स, रैबिट। आर ए डबल बी आई टी, रैबिट, रैबिट लाइक्स कैरेट, ठीक है किड्स। गाजर किसको पसंद है, रैबिट। आपको ऐसे ही फिल इन द ब्लैंक्स लिखना है और उस डैश में उसका आंसर अपनी कॉपी में लिखिएगा किड्स। पहले आप पूरा क्वेश्चंस लिखिएगा और लास्ट में आप उसके फिल इन द ब्लैंक्स, ताकि चेक करिएगा कि आपको फिल इन द ब्लैंक्स अभी तक याद है कि नहीं, ठीक है किड्स। तो किड्स चलिए अब नंबर टू में आते हैं। डैश चेस रैट्स, बताइए रैट्स का पीछा कौन करता है, कैट्स ना, कैट्स रैट को खाते हैं ना किड्स। तो यहाँ क्या आएगा डैश में, कैट्स, सी ए टी एस, कैट्स, कैट्स चेज रैट्स, ठीक है किड्स। थर्ड वाइल्ड एनिमल्स लिव इन डैश, वाइल्ड एनिमल्स लिव इन, जल्दी से बताइए वाइल्ड एनिमल्स कहाँ रहते हैं, जंगल, है ना। कौन कौन होते हैं वाइल्ड एनिमल्स, लायन टाइगर एलिफेंट फॉक्स जिराफ, तो डैश में क्या आएगा किड्स, जंगल। तो लिखिए जे U N G L E, जंगल, वाइल्ड एनिमल्स लिव इन जंगल, ठीक है किड्स। चलिए फोर, डैश इज द टॉलेस्ट एनिमल, सबसे लंबा ऊंचा कौन होता है एनिमल में, जिराफ, तो यहां पे क्या आएगा किड्स, जिराफ। चलिए लिखते हैं जे जी आई R A double F E, जिराफ, जिराफ इज द टॉलेस्ट एनिमल। किड्स आप लोगों को याद हो रहा है कि नहीं, फिल इन द ब्लैंक्स पूरा याद होना चाहिए और कॉपी में कंप्लीट लिखना भी है, ठीक है। नेक्स्ट डैश फ्लो द फील्ड्स, खेतों में हल कौन चलाता है, कौन एनिमल है जल्दी से बताइए, जोतता है खेत, बुलक, तो यहाँ क्या आएगा किड्स, बुलक, बी यू डबल ओ सॉरी डबल एल ओ
सी के बुलक बी यू डबल एल ओ सी के बुलक फ्लो द फील्ड्स. ठीक है किड्स. डैश इज द शिप ऑफ द डेजर्ट. रेगिस्तान का जहाज कौन होता है किड्स, जल्दी से बोलिए. कैमल. यहाँ क्या आएगा किड्स डैश में, कैमल. सी ए एम ई एल कैमल. कैमल इज द शिप ऑफ द डेजर्ट. चलिए नेक्स्ट. डैश इज ए क्लेवर बर्ड. सबसे चतुर बर्ड कौन होता है किड्स, क्रो. तो चलिए क्रो लिखते हैं. सी आर ओ डब्ल्यू क्रो. क्रो इज ए क्लेवर बर्ड. नेक्स्ट डैश डैश लेज एग. एग कौन देता है किड्स हमें, हैन देती है ना एग हमें. तो चलिए यहां डैश में क्या आएगा, हैन. एच ई एन हैन. हैन लेज एग्स. नेक्स्ट डैश हेल्प्स अस टू ग्रो. हमें बढ़ने में कौन हेल्प करता है, तो बताइए किड्स हमें बढ़ने में कौन ग्रो करता है. हम फूड है ना, फूड खाएंगे तभी तो हम थोड़ा सा ग्रो, तभी तो हम ग्रो करेंगे किड्स. तो चलिए यहाँ डैश में क्या आएगा किड्स, फूड. एफ डबल ओ डी फूड. फूड हेल्प्स अस टू ग्रो. नेक्स्ट वी हैव डैश मेन मील्स. तो बताइए कितने मील्स होते हैं, कितने मील्स हम भोजन कितना थ्री टाइम्स लेते हैं ना, मॉर्निंग में नून में और नाइट में. तो चलिए लिखते हैं थ्री. टी एच आर डबल ई थ्री. ठीक है किड्स, वी हैव थ्री मेन मील्स. नेक्स्ट वी मस्ट डैश अवर टीचर्स. हमें अपने टीचर्स का क्या करना चाहिए, रेस्पेक्ट. तो यहां लिखेंगे रेस्पेक्ट, आर ई एस पी ई सी टी रेस्पेक्ट. वी मस्ट रेस्पेक्ट अवर टीचर्स. चलिए नेक्स्ट वी लर्न डैश हैबिट्स इन स्कूल. हम स्कूल में गुड हैबिट्स सीखते हैं ना किड्स, तो यहाँ डैश में क्या आएगा, गुड. जी डबल ओ डी गुड हैबिट्स. ठीक है किड्स, एक बार हम रिपीट कर लेते हैं और आप लोग अपने कॉपी में जरूर लिखिएगा. रैबिट लाइक्स कैरेट. कैट्स चेज रैट्स. वाइल्ड एनिमल्स लिव इन जंगल. जिराफ इज द टॉलेस्ट एनिमल. बुलक फ्लो द फील्ड्स. कैमल इज द शेप ऑफ द डेजर्ट. क्रो इज ए क्लेवर बर्ड. Hen lays eggs. Food helps us to grow. We have three main meals. We must respect our teachers. We learn good habits in school. Kids, ये हम लोगों ने पूरे चैप्टर जो हमारे पोर्शन में है ना किड्स एग्जाम में आएगा उसी सारे चैप्टर्स की ये फिल इन द ब्लैंक्स हैं, जिसको आपको अपनी कॉपी में लिखना है और बहुत अच्छे से रिवाइज करना है. और किड्स यही आपका क्या रहेगा, होमवर्क. ठीक है, इसे बार बार लिखिएगा और रिपीट करिएगा. ठीक है किड्स, थैंक यू.